नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाया है, या कभी किसी पंडित जी के पास गए हो कुंडली दिखाने के लिए, या वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कांच का एक गोला सा रख करके एक लेडी बैठी होती है और उनके पास जाकर के कभी आप ने पूछा हो कि भाई मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइए, या मेरे बारे में बताइए कुछ, या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर के पास गए हो, या कोई पर्सनैलिटी टेस्ट आपने दिया हो व्यक्तित्व को जानने के लिए भी आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो जब आपने इस तरह का कुछ किया होगा या इन फ्यूचर करने की सोच रहे होंगे, तो कुछ बातों पर गौर कीजिएगा कि वो जो लोग होंगे वो पहले आपको आपके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं जो है वो बताएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई साहब आपकी जो माथे की जो लकीर है, इसे देखकर के पता लग रहा है कि आप जो हैं वो जल्दी से किसी के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। आपका व्यक्तित्व ये बता रहा है कि आप पहले उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि वो बात करने लायक है, उससे बात करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, उसके बाद आप उसके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। या फिर भाई साहब आप यार देख करके आपकी माथे की जो लकीरें हैं वो ये बता रही हैं कि आप काफी मिलनसार किस्म के व्यक्ति हैं, ठीक है, आप बहिर्मुखी व्यक्तित्व है आपका कि आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं सभी के साथ, पर कभी कभी आपको लगता है कि घुलना मिलना ठीक नहीं। उस समय आपको यूं लगता है कि यार अकेले रहो, बिना किसी तरह का कुछ सोचे विचारे किसी के साथ बातचीत किए कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का, ये कुछ ऐसा लगता है आपको। हाँ मेरे को दिख रहा है आपके माथे की लकीरों पर दिख रहा है ऐसा कुछ। या फिर आपको बोलेंगे अरे भाई आपकी हाथ की लकीरों को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है किसी कार्य को करने की, किसी काम को करके सफलता उसमें हासिल करने की अत्यधिक क्षमताएं जो है आपके अंदर हैं, लेकिन कोई चीज है जो आपके इन कार्यों को बीच में रोक लेती है, आपका वो कार्य जो पूर्ण नहीं हो पाता, सफलता नहीं मिल पा रही है आपको किसी वजह से, लेकिन आप करना बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य को करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा है। या फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप सभी का भला करना चाहते हैं, आप सभी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार अच्छा करने के चाहत में आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और आपके अपने ही आपसे नाराज हो जाते हैं, ऐसा है क्या, है क्या ऐसा। अरे हाँ ऐसा ही है, आपकी माथे की लकीरें बता रही हैं, आपकी हाथ की लकीरें बता रही हैं ये सब चीजें। तो दोस्तों ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीजें वो आपको बताएंगे। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताई, आपको लग रहा होगा यार अमित सर जो है वो ठीक बोल रहे हैं, व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से देख लेते हैं ये यार, इनको ज्ञान है चीजों का। भाई साहब मैं कोई ज्योतिषी या पंडित नहीं हूं, समझ रहे हैं आप, मैं कोई ज्योतिषी या पंडित नहीं हूं, ना ही मैंने कांच का गोला कोई रख रखा है जिसमें देख करके मैं आपके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपको सच लग रही हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए आपको ये सच लग रही हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो बातें मैंने आपको बताई मैं आपके व्यक्तित्व को पढ़ करके बता रहा हूं, देख करके बता रहा हूं, आपका मुझ पर विश्वास बढ़ जाएगा, आपका उन लोगों पर जो आपको ये चीजें बता रहे होंगे, जैसे ज्योतिषी है या पंडित है या वो गोले वाली मैया, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई साहब ये इनमें कुछ कुछ तो दम है, क्योंकि इन्होंने मेरे हाथ की लकीरों को पढ़ करके मेरे व्यक्तित्व के बारे में बता दिया, या मेरे माथे की लकीरों को देख करके व्यक्तित्व के बारे में बता दिया, या गोले में देख करके मेरे व्यक्तित्व के बारे में बता दिया, तो इनमें कुछ तो ना कुछ बात होगी। फिर आपका दिमाग जो है उन पर भरोसा करने लग जाता है, ट्रस्ट हो जाता है आपको उनकी बातों पर। फिर जैसे ही आपको उनकी बातों पर ट्रस्ट हुआ, जैसे ही आपको उनकी बातों पर ट्रस्ट हुआ, आप फंस गए उनकी बातों पर, उनका जो तीर है ठीक निशाने पर लगा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको कुछ
ऐसी बातें आपके व्यक्तित्व के बारे में बताई जो बिल्कुल क्या थी, सही थी। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये जो बातें हैं, गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने है, ये जो मिथक है, ये जो हमारे समाज में पसरा पड़ा है, और ये सिर्फ हमारे ही समाज की अवधारणा नहीं है, ये दुनिया में जितने भी सोसाइटीज हैं, जितने भी समाज हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियंस हो, यहूदी हो, हर जगह ये पसरा पड़ा है। ठीक है, ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई, इन्हें हम बोलते हैं बार्नम स्टेटमेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बार्नम स्टेटमेंट्स। ये बातें ऐसी बातें हैं जनाब, जिन्हें भी आप बताएंगे उन्हें लगेगा कि ये वास्तव में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। जैसे अभी मैंने कुछ बातें बोली, आपको लगा होगा कि हाँ यार, ये बात तो ठीक बता रहा बंदा यार। तो ये बातें चाहे आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, आप अपने दोस्त को बोलिएगा कि मैं हस्तरेखा जो है या मस्तिष्क रेखा विज्ञान जो है मैं पढ़ रहा हूं और मैं तेरे बारे में कुछ बताता हूं, इनमें से कोई एक दो बातें आप उनको बता करके देखिएगा और उनसे पूछिएगा क्या मैं सही बता रहा हूं, वो डेफिनेटली आपको सही बताएंगे भी है, यार तूने बिल्कुल सही बात की। ये जो बातें हैं ये ज्यादातर लोगों के लिए सही हैं, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये बातें वास्तव में उनके व्यक्तित्व को दर्शा रही हैं, उनके व्यक्तित्व को आप सटीकता से बता पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इसलिए आपने ऐसी बातें उनको बताई, उन्हें ऐसा लगेगा। परंतु सत्य क्या है? सत्य ये है कि ये बातें, क्योंकि ज्यादातर इनमें से क्या है, पॉजिटिव चीजें हैं, तो सभी को जब आप ये बातें बोलेंगे किसी को भी, उसको यही लगेगा कि वास्तव में ये जो चीज है ये उसके व्यक्तित्व के अंदर झलकती है, ये उसके व्यक्तित्व को दर्शाती है। ठीक है, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगेगा। इन बातों को हम बोलते हैं, इन स्टेटमेंट्स को, इन कथनों को हम बोलते हैं बार्नम स्टेटमेंट्स। ठीक है, और ये जो प्रभाव है, हमारा दिमाग इन बातों को सत्य मान लेता है, इन बातों को सत्य मान लेता है, ये जो प्रभाव है इसको साइकोलॉजी में बार्नम इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, कई बार बार्नम फ्लोरर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग किया गया 1948 में बर्ट्राम फ्लोरर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो फ्लोरर साहब ने क्या किया, अपने 39 छात्र छात्राओं को जो साइकोलॉजी ही पढ़ रहे थे, अपने 39 छात्र छात्राओं को उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कथन जो थे, कुछ बातें उनके व्यक्तित्व के बारे में बताई। उन्होंने अपने छात्र छात्राओं को बोला कि मैं तुम्हारे व्यक्तित्व को देख करके तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा तुम्हारे व्यक्तित्व की, तुम्हें ये बताना है कि उनमें से कितनी बातें सही हैं, कितनी गलत हैं, और मुझे 1 से 5 नंबरों पर कोई रैंकिंग देनी है। अभी 1 से 5 नंबर में कोई नंबर जो आप मुझे दोगे कि हाँ ये जो आपने बातें बताई ये ठीक है। ठीक है, तो रैंकिंग करनी है 1 से 5 नंबर के बीच में। तो जो फ्लोरर साहब थे उन्होंने क्या किया, कुछ बार्नम स्टेटमेंट्स जो थी वो अपने 39 छात्र छात्राओं को दी। ठीक है, और उनको बोल दिया कि 1 से 5 के बीच में मुझे मेरी बातों को या मेरे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको नंबरिंग देनी है आपने। ठीक है, तो उन्होंने 13 यानी कि 13 बातें अपने छात्र छात्राओं को दी, अलग अलग छात्र छात्राओं जो है उनको दी, बताया नहीं एक दूसरे को कि मैंने इनको ये बातें दी या इनको ये बताई, एक चिट बनाई और दे दी। हर एक को ये बोला गया कि इनको पढ़िए, आपको लगता है कि ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं तो मुझे 1 से 5 के बीच में रैंकिंग दीजिए, ये कितने, ये जो कथन है ये कितने सही है। ठीक है, तो छात्र छात्राओं ने उन कथनों को पढ़ा और उनको मार्किंग की। ठीक है, उस मार्किंग का जो रिजल्ट निकला, उस मार्किंग का रिजल्ट क्या निकला, छात्राओं ने जो 39 छात्र छात्राएं थी उनकी, उन्होंने फ्लोरर साहब को 4.3 अंक दिए, 5 में से 4.3 अंक, लगभग 86%। ठीक है, 4.3 अंक दिए, लगभग 86% बातें जो हैं उनको लगी कि हाँ उनके व्यक्तित्व के बारे में फ्लोरर साहब ने जो चीजें बताई हैं वो वास्तविकता में हैं, सही लगी उनको। ठीक है, कमाल की बात यह है दोस्तों कि फ्लोरर साहब ने हर एक छात्र छात्रा को, हर एक को 13 बातें जो बताई वो सारी की सारी सेम थी, यानी कि हर छात्र को वही बातें बताई गई जो दूसरे छात्रों को बताई गई हैं।
ठीक है। उसके बावजूद सभी छात्र छात्राओं को यही लगा कि फ्लोरर साहब ने उनके व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से समझा है, जाना है और वो उनके व्यक्तित्व को पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं उनके बारे में कुछ। ठीक है, तभी तो 86% जो बातें थी वो ठीक थी, 4.3 अंक दिए गए। ठीक है, कमाल की बात यह थी कि 13 की 13 बातें जो थी, जो बार्नम स्टेटमेंट्स थी, वो सेम थी। ठीक है, तो छात्र छात्राओं को लगा और उन्होंने रैंकिंग कर दी। तो यहां पर ये जो चीज थी ये सिद्ध हुई कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हर किसी पर लागू हो जाती हैं, हर कोई अपने ऊपर लागू कर लेता है। आपको ऐसी स्टेटमेंट बताई जाएगी जो कि बिल्कुल लगेगी कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट तो मेरे ही व्यक्तित्व, मेरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं क्या, बार्नम इफेक्ट, या कभी कभार इसको यूज कर लिया जाता है बार्नम फ्लोरर इफेक्ट के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार यदि किसी ज्योतिषी के पास जाएं हाथ दिखाने के लिए, या वो भोले वाली मैया के पास जाएं हाथ दिखाने के लिए, तो वो आपको कुछ बातें बताएं, उससे पहले आप उनको चकित कर दीजिए ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट बता करके उनके बारे में, और उनको लगे कि हाँ भाई ये दाल अब यहां नहीं गलने वाली है, लोग जो है वो अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो था ये आपको अवेयर करने के लिए था अबाउट बार्नम इफेक्ट, ठीक है, या बार्नम फ्लोरर इफेक्ट। आगे से ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बातें आपके बारे में बताई जा रही हैं या जो पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू आपको बातें बताई जाती हैं वो ऐसी बातें हैं जो लगभग सभी लोगों के लिए सत्यापित तो हो जाती हैं, सभी लोग मान लेते हैं कि हाँ वो चीजें हमारे लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर किसी नई चीज के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।